कैट व रेवंचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जीएसटी के कड़े प्रावधान के विरोध में 26 को रिवो बंद करने का किया ऐलान। भारत बंद के संबंध में व्यापारी संगठन नेताओं की हुई बैठक। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट एवं रेवंचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में व्यापारिक हितों के लिए 26 फरवरी के भारत व्यापार को बंद करने का व्यापारी संगठनों एवं टैक्स एसोसिएशन के विशेषज्ञों की बैठक बुलाई गई। सेलिब्रेशन होटल में आयोजित इस बैठक में सभी व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने जीएसटी के विरोध में रीवा व्यापार को पूर्ण रूप से बंद कर आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान बताया गया कि देश के वित्त मंत्री ने अपने बजट में बिना उल्लेख किए हुए कड़े प्रावधान लागू किए, जिनमें से धारा 83(1) में प्रस्तावित किया गया कि कर अपवंचना के मामले में कर अधिकारी 1 साल तक कंपनी और फर्म की संपत्ति बैंक खाते के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर, पार्टनर, कंपनी सेक्रेटरी, कर्मचारी, मैनेजर, सीए, एडवोकेट, इनसे जुड़े ऑडिटर, सलाहकार सभी की संपत्ति और बैंक खाते प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार जो काले कानून जीएसटी के नाम पर बनाए जा रहे हैं उसका भरसक विरोध करते हुए साथी संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि व्यापारी इस देश का वह करदाता है जो इस देश की जीडीपी को बनाए रखता है। सरदार प्रहलाद सिंह, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, ब्रजेंद्र सिंह, गुलशन चड्ढा, सीए प्रशांत जैन, टैक्स एसोसिएशन अध्यक्ष सूर्यकांत मिश्रा, ओम प्रकाश गुप्ता, अनु पाठक, अन्य सभी व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है झलकी सहित इंजीनियर राजेंद्र शर्मा से जानकारी के अंदर। व्यापारियों की जो राष्ट्रीय संस्था है कैट और रेवंचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के द्वारा हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि जो जीएसटी का नया कानून, नया प्रावधान लागू किए गए हैं जीएसटी के, जो वो व्यापारियों के विरोध में है और छोटा व्यापारी, मझोला व्यापारी या यूं कहिए कि कुछ चंद उद्योगपतियों को छोड़कर बाकी पूरा व्यापार जगत इससे समाप्त हो जाएगा और लोग ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे कि जितना कमा नहीं रहे वो उससे कई गुना उनको टैक्स और पेनल्टी के रूप में देना है। छोटी गलती अगर उनसे हो गई कि समय सीमा में चूक हो गई या उनको कोई टेक्निकलिटी उसकी नहीं मालूम, और वो क्योंकि छोटा व्यापारी, हर व्यापारी अपने ऑफिस में सीए नहीं रख सकता, अपनी दुकान में सीए नहीं रख सकता, तो अगर वो टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है, छोटे छोटे प्रावधानों का अगर वो पालन नहीं कर पा रहा, तो उस पर इतनी हैवी पेनल्टी है और साथ ही साथ इसकी कोई अपील का प्रावधान नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके खिलाफ अपील ना हो, इसकी आप ऑनलाइन अपील भी नहीं कर सकते। इस कारण ये जीएसटी बड़े मंथन के बाद ये सोचा गया कि ये व्यापारियों के विरोध में है। हमारे कैट के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है, हमारे कैट के जिलाध्यक्ष हैं और हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग इनके पूरे कैट के साथ समर्थन में हैं और 26 तारीख को हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान कैट ने किया है। इसके लिए रेवंचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रीवा में पूरा समर्थन दे रहा है और साथ ही साथ अगर अगले स्टेप पे भी जो कैट तय करेगा, रणनीति तय करेगा, उस पर अगर हमको कुछ और ठोस कार्यवाही करनी पड़ी, कोई कड़ी कार्यवाही करनी पड़ी, सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं सुनी, तो हम उसके लिए भी पूर्णतः तैयार हैं। 26 तारीख को रीवा पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से व्यापारियों के द्वारा बंद किया जाएगा और हम समस्त रीवा वासियों से इस बात का आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि वो व्यापारी जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो खड़ा होता है, तो वो व्यापारी वर्ग का समर्थन पूरा रीवा की जनता करे और इस राष्ट्रव्यापी बंद को सब लोग मिलकर सफल बनाएं, क्योंकि आज की तारीख में जो व्यापारी है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, छोटा सा छोटा व्यापारी हो तो उसके यहाँ एक काम करने वाला है, दो काम करने वाले हैं, चार नौकर हैं, चार उसके मददगार हैं, वहाँ उनके भी जीविकोपार्जन व्यापारी कर रहा है, व्यापारी अपना नहीं कर रहा, व्यापारी अपने साथ तमाम लोगों का जीविकोपार्जन करता है और सबसे ज़्यादा टैक्स भी व्यापार जगत देता है और व्यापार जगत को हमेशा जो भी सरकारी नियम आते हैं उनके खिलाफ बनाए जाते हैं, इसको लेकर व्यापारियों में भारी असंतोष है, जबकि व्यापारी सरकार के हर कदम से कदम मिलाकर चलता है। इसलिए हम 26 तारीख का रीवा बंद कर रहे हैं और कैट के इस आंदोलन के हम लोगों का पूर्ण समर्थन।